हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आपको बताया था, जिसके मैंने एक शॉर्ट ग्लिम्स दिया, फिर उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड जो बाकी एस्पेक्ट उस पर ध्यान दिया था। आज उसी आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एवरी कॉर्नर इज टू साइड्स, तो उसी में हमने मेरिट डिस्कस किया, फीचर्स डिस्कस किया, उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। आज हम उसी आगे बढ़ेंगे और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कशन होगा। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहली चीज भाई, अगर इंटरनेशनल ट्रेड यानी फॉरेन ट्रेड है, तो क्या यहाँ से अमेरिका पहुंचना आसान है? नहीं। तो जहां मैं खड़ा हूँ बहराना में, जहां मैं रहता हूँ, क्या यहाँ से अमेरिका पहुंचना आसान है? नहीं। आप पहले एयरपोर्ट जाओगे, फिर वहां से अपना वीजा पासपोर्ट दिखाओगे, फिर वहां से वो बोर्डिंग करवाएगा, फिर पाना। और दूसरी चीज, यहाँ से अमेरिका की जो फ्लाइट जाएगी, क्या वो एक दो घंटे में पहुंचा देगी? भाई मानता हूँ कि भाई एयरबेस के थ्रू हम चीजें हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या एक घंटे पहुंच जाएंगे? नहीं। तो नॉर्मली जैसे डिस्टेंस हमारे लिए कवर करना थोड़ा मुश्किल, मतलब कुछ ऐसे डिस्टेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में, खासकर बिजनेस लाइफ में, कि जहां पे पहुंचना थोड़ा आसान नहीं होता, ठीक है? तो वो भी एक फैक्टर बनता है हमारे डिसइंटरेस्ट के लिए, जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर बिजनेस में आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक। आज उसी के बारे में यहाँ बात करनी है। सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, और भी एस्पेक्ट्स हैं जो उसके डिमेरिट्स में काउंट होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। लेट्स हैव अ लुक। द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस। भाई दो कंट्रीज के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, तो वहां पे जो सबसे बड़ा फैक्टर बनता है उसके डिमेरिट का, वो है डिस्टेंस यानी दूरी, जिस समय हमें तय करनी होती है। इंडिया अमेरिका के बीच में अगर कोई ट्रेडिंग हो रही है, तो क्या अमेरिका इंडिया बस बगल बगल एक एक जैसे होता ना कि पड़ोसी घर, क्या पड़ोसी घर थोड़ी ना है भाई। इंडियन कंट्री अलग पूरी है, वेल एस्टैब्लिश कंट्री है, अमेरिकन एक वेल एस्टैब्लिश कंट्री है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस को कहते हैं ना खाई पाटना, वो कैसे होगा भाई? इसमें टाइम लगेगा। आप यहाँ से बिजनेस भेजोगे वहां तक, वहां से पेमेंट आएगा, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो वो जो वेटिंग वाला जो टाइम है, वो हमारे लिए एक सफरिंग की तरह ही होता है। तो डिसइंटरेस्ट इसमें हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड करें जहां पे सामान जल्द से जल्द पहुंच जाए और हमें हमारा पेमेंट मिल जाए, ठीक है? सेकंड, लैंग्वेज बैरियर। ये बैरियर एक तरीके से डिस्टेंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर के सेंस पे देखा जाता है, क्योंकि आज भी अगर मैं एक लोकल वेंडर की बात करूं या लोकल सेलर की बात करूं, जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, मान लो अगर देहाती है तो देहाती में बोल रहा है, खड़ी है तो खड़ी बोली बोल रहा है, या इलाहाबादी में बात करता है, अगर आप उससे अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दो और उससे अंग्रेजी का ई नहीं आता यानी इंग्लिश का ई नहीं आता, तो क्या वो आपकी बातें समझ पाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप किसी चाइनीज या जापानी सामने खड़े हो जाइए, वो उसी लैंग्वेज में बात करें, आपको समझ में आएगी? कभी नहीं आएगी। तो लैंग्वेज बैरियर भी एक बैरियर है इंटरनेशनल ट्रेड में। या तो आप एक इंटरप्रेटर हायर करो जो भाई दोनों साइड की लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके एक दूसरे को बताएं, अब उसका खर्चा भी अलग से उठाओ कि भैया हम ट्रांसलेटर अपने साथ लाए हैं, आप इससे बात करो, ये हमें बताएगा और फिर हम इसके थ्रू आपकी बातें समझेंगे। तो मेन है कि लैंग्वेज बैरियर आज भी बहुत चीजों को बहुत बड़ा बैरियर साबित हो रहा है, क्योंकि हर कोई अंग्रेजी नहीं समझता, हम हिंदी समझते हैं और जो हमारी खड़ी बोलियां हैं या देहाती भाषा वो भी समझते हैं, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान आज तक किसी मतलब सबको नहीं हो पाया है, ठीक है? थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही चीज है कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई एक खर्चा नहीं होता, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कलेक्शन एक्सपेंस है, डिस्पैचिंग एक्सपेंस है, और ट्रांसपोर्टेशन में एक ट्रांसपोर्टेशन से दूसरे ट्रांसपोर्टेशन पर ट्रांसफर होता है गुड्स। आज जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपका सामान भी किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आता है ना? तो जहां जब आप साइट पे क्या कहते हैं जाके जब उस पर ऑर्डर प्लेस करते हो, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो 3-4 दिन लेता है, ठीक है? क्योंकि वो दूसरी जगह से आता है, उसमें कितने सारे ट्रांसपोर्टेशन चेंज होते हैं, उसकी वजह से गुड्स खराब होने के भी चांसेस होते हैं, डैमेजेस होने के भी चांसेस होते हैं। या तो रास्ते में गुड्स खराब कर दिया जाएगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में वो जर खाते खाते धक्के खाते खाते भी वो खराब हो जाता है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी हमारे पास इतने प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं हो पाई हैं, रोड्स नहीं बन पाई हैं, जिनकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक? और एक से दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में जब आप जाते हो तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है? रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजिट।
ये तो भाई आपको समझ में आ ही रहा होगा। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब है भाई जितनी देर आपको सामान मिलने में लगती है उतनी देर में क्या उसमें कोई डैमेज नहीं किया जा सकता, क्या उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो भाई। सीधी सब बात है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर को बुक किया मान लो फ्लिपकार्ट पे, ठीक, और जब आप उसकी ऑर्डर बुकिंग श्योर करते हो तो कहते हैं ना विल रीच यू बाय दिस विल रीच यू बाय दैट डेट, है ना, तो तुरंत तो मिलता नहीं है। आज आपने ऑर्डर प्लेस किया मान लो आज 8 अगस्त है, ठीक, आपने ऑर्डर प्लेस किया उसमें डेट दिखा दी 12 अगस्त तक आपको मिल जाएगा, तो 3 दिन लगेगा ना। इस 3 दिन के ट्रांजिट पीरियड में क्या उस गुड्स में यानी आपके ऑर्डर में डैमेज नहीं हो सकता? क्या गारंटी है कि आपको ऑर्डर वैसा ही मिलेगा जैसा आपने बुक किया? ठीक, यही इंटरनेशनल ट्रेड में भी रिस्क इन्वॉल्व है कि आपका जो प्रोडक्ट आपने जो ऑर्डर किया जरूरी नहीं कि वो ट्रांजिट में सेफ एंड साउंड रहे, उसमें डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कोई भी एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर हो यानी सेलर या परचेजर, जिसको हमने एक्सपोर्टर इम्पोर्टर की क्या कहते हैं क्या संज्ञा दी है, तो ये दोनों को ही अपने अपने लेवल्स पे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने पड़ते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज होती है, लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेटर होता है, NOC होती है और इंटेंट होता है, बहुत कुछ है, मतलब उसमें इनवॉइसेस हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी मतलब इसमें इतना टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंटेशन करने में कि बंदा अपने आप ही गिव अप कर देता है कि यार हमें नहीं करना, हटा जाओ। ठीक, मार्केट चेंजेस में दो तरीके के चेंजेस हैं, पहला ट्रेंड चेंज यानी फैशन में चेंज होना और दूसरा है करेंसी में फ्लक्चुएशन होना। ठीक, ये तो मानते ही होगे मेरी बात। पहला भाई जैसे मैंने अभी ये शर्ट पहन रखी है, इसका ट्रेंड दूसरा है, मान लो कल को ये ट्रेंड पूरा चेंज हो जाए तो क्या मैं इसे दोबारा खरीदना चाहूंगा? नहीं, मैं कहूंगा भाई लेटेस्ट ट्रेंड दिखाओ। ठीक, करेंसी में भी फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, वो भी एक मार्केट ट्रेंड है यानी वो भी एक मार्केट चेंज है। आज डॉलर की कीमत मान लो 71 रुपीज समथिंग पैसे है, ठीक है, अभी यही एक हफ्ते पहले तक 68 रुपीज समथिंग पैसे था एक डॉलर, बढ़ा है लगभग 115 पैसे शायद बढ़ोतरी हुई थी, तो जो भी है। तो वही चीज है कि जब आप भाई आपके मार्केट के फ्लक्चुएशंस में थी तेजी से चेंज आ रहा है तो क्या मार्केट ट्रेंड्स में चेंज नहीं आ सकता? और वो भी इसका एक फैक्टर बनता है किसमें, डिसइंटरेस्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड यानी डीमेरिट्स हो जाता है। ठीक, अगला है डिफरेंट करेंसीज। बिल्कुल भाई, इंटरनेशनल ट्रेड खुद ही भाई फॉरेन एक्सचेंज इन इटसेल्फ इज सेइंग दैट आई विल डील इन मोर देन वन करेंसी एंड व्हेन यू डील इन मोर देन वन करेंसी दैट मींस कि आपको डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, येन और जितनी भी करेंसीज है आपकी ग्लोबल लेवल पे उन सब में आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक, और इसमें एक इसमें नुकसान ये है कि जो इम्पोर्टर यानी जो सामान मंगवा रहा है उसको उसी करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है जिस कंट्री से उसने मंगवाया है, और वहां की करेंसी अगर आपकी करेंसी से ज्यादा हो यानी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो बड़ी हुई तो आपका पेमेंट ज्यादा जाए यानी आपको ज्यादा नुकसान होगा, उन्हें कम होगा, और वो जब आपसे इम्पोर्ट कराएंगे तो उनका फायदा होगा क्योंकि उनकी जो करेंसी फ्लो है वो कम होगा और आपकी करेंसी फ्लो ज्यादा जाएगी। ऐसे समझो यार, अगर मान लो अमेरिका से ऑर्डर प्लेस किया, वहां से एक डॉलर का कितना कीमत है सर, 71 रुपए समथिंग पैसे है ना, यानी 71 रुपीज समथिंग पैसे, तो आपका 71 रुपीज उनके एक डॉलर के बराबर है, तो ये नुकसान है ना? बिल्कुल है। ठीक, यही मैं बता रहा हूँ। और लास्ट है कंपटीशन। कंपटीशन हम जानते हैं भाई मार्केट यानी ट्रेड में यानी बिजनेस वर्ल्ड में बहुत तगड़े से होता है, और जब बात इंटरनेशनल ट्रेड की है तो इंटरनेशनल ट्रेड में तो और ज्यादा होता है भाई। जितने भी आप ग्लोबल मार्केट में जो मार्केट कैप्चरर्स हैं यानी मार्केट लीडर्स, इसलिए ना बिजनेस जायंट्स जिसे कहा जाता है, क्या वो आपके सामने आपको टक्कर देने नहीं उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, वो आपको उतना ही कटथ्रोट कॉम्पिटिशन देंगे जितना कि एक छोटा वेंडर या छोटा बिजनेसमैन जो आपका क्लोज कॉम्पिटिटर है या बन सकता है। ठीक है, तो अब अगला है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, क्योंकि भाई इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ही है दो ही चीज, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट। That's it. So now we'll talk about the export procedure. Stay tuned for that update. अब बात हो गई export procedure के बारे में, तो without wasting time, let's have a look on that. Receiving an indent. Indent अभी इसका इस word का इस्तेमाल अभी मैंने अपने इसी video के previous session में किया था। Indent का मतलब होता है एक requisite form, एक requisite application पाना कि हाँ
कि किसी ने हमसे कहा है कि भाई कि हमको आपका सामान चाहिए, इतना चाहिए कि ये रेट मतलब रेट क्या है आपका वगैरह वगैरह, ये क्वालिटी चाहिए, ये क्वांटिटी चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी होती है। तो रिसीविंग एन इंटेंट यानी रिक्विजिट फॉर्म आपको मिलता है जिसके अकॉर्डिंग आपको फिर बिहेव करना होता है, ठीक है। और फिर सेकेंड है ऑब्टेनिंग आईईसी नंबर एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस। आईईसी नंबर का मतलब है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। और एक्चुअली जो भी बंदा भाई अगर बंदा इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है तो वो दो चीजें ही करेगा, या तो एक्सपोर्ट करेगा या तो इम्पोर्ट करेगा। जो चीज उसके पास नहीं है या जो चीज वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता महंगी है उसे एक्सपोर्ट करा लेता है, और जो चीज उसके पास अच्छी है बल्क में है उसे प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक। ये बैलेंसिंग उसे करनी होती है। तो वैसे आईसी नंबर उसको मिलता है यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड उसको मिल जाता है। और हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस भी आपको लेना बहुत जरूरी है। जैसे इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस चाहिए वैसे एक्सपोर्ट के लिए भी लाइसेंसिंग करानी बहुत जरूरी है। और ये प्रॉपर अथॉरिटी एंड डायरेक्टरेट जो है, जो प्रॉपर एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, वहां जाके एप्लीकेशन देकर के आप इसे करवा सकते हैं। आईसी नंबर एक परमानेंट वैलिडिटी का नंबर है, एक बार अगर आप इसे ऑप्टेन कर लेते हैं तो आपको बार बार इसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। थर्ड, आस्किंग फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। अब आप इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? भाई लेटर ऑफ क्रेडिट सिर्फ इतना है कि जिस बंदे ने आपसे एक्सपोर्ट यानी खरीदने की बात कही है वो किसी न किसी बैंक के थ्रू से फाइनेंस करवाता है, ठीक है। तो आप उस फाइनेंसिंग बैंक से उसकी लेटर ऑफ क्रेडिट को ले सकते हो कि अगर ये डिफॉल्ट करता है जिसने हमसे एक्सपोर्ट मतलब हमसे इम्पोर्ट करवा रहा है और जिसके लिए हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो सारा का सारा पेमेंट आप दोगे, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक एश्योरेंस डॉक्यूमेंट है जिसमें बैंक एश्योर करता है कि हाँ भैया इन्होंने हमारे पास पैसे देने के लिए कहा है, अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो पेमेंट हम करें, ठीक है। कलेक्शन ऑफ गुड्स, ऑफकोर्स भाई इन तीनों के बाद आपका जो चौथा स्टेप आता है वो कलेक्शन ऑफ गुड्स, मतलब जो भी आपको सामान एक्सपोर्ट करना है उसे आप जो कलेक्ट कीजिए, उसको पूरा कहते हैं ना वो पूरा बंडल अप करिए, उसको पैक करिए, उसकी पैकेजिंग करिए, सब कुछ करिए और फिर उसे भेजने के लिए तैयार करिए। और लास्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट मैंने आपको मेरे प्रीवियस जो चैप्टर्स के में लेक्चर बताया था कि फॉरवर्डिंग एजेंट वो बनता है जो कि एक्सपोर्टर द्वारा हायर किया जाता है अपने गुड्स को इम्पोर्टर को भेजने के लिए, यानी जो खरीद रहा है परचेजर उसको भेजने के लिए सप्लायर यानी सेलर फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू इसको आगे बढ़ाता है। और इस फॉरवर्डिंग एजेंट के पास आपके वो डॉक्यूमेंट्स की तीन कॉपी होती है जिसमें सेलर कॉपी, शिपमेंट कॉपी और कस्टमर कॉपी यानी जिसको हम कर रहे हैं यानी इम्पोर्टर कॉपी, ठीक। और पोर्ट ऑफ शिपमेंट का मतलब वो है यानी उस जगह पे ले जाता है जहां से आपका सामान डिस्पैच होगा या होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हुआ एक्सपोर्ट प्रोसीजर खत्म हुआ। अब आइए देखते हैं अगला जिसमें फॉर्मेलिटीज परफॉर्म बाय फॉरवर्डिंग एजेंट देख लेते हैं, इसमें वो क्या क्या फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करता है और किस किस तरीके से वो आपके गुड्स को आगे बढ़ाता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट स्टेडियम। आइए बात करते हैं फॉर्मेलिटीज परफॉर्म बाय फॉरवर्डिंग एजेंट। देखिए सीधा बात, ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर का एक पार्ट है। एक्चुअली इसके बाद अभी चार पॉइंट्स और हैं जो कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंडर में आते हैं। ये बीच में घुस गए इसलिए मुझे थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये उसी का एक पार्ट था बट आई मिस्ड अदर पार्ट्स टू इलस्ट्रेट बिफोर दिस, सो इलैबोरेशन उनके भी होंगे। लेकिन पहले हम फॉरवर्डिंग एजेंट देख लेते हैं कि ये काम क्या करता है। तो फॉरवर्डिंग एजेंट की अगर बात करूं तो सबसे पहला है उसका काम है ऑब्टेनिंग कस्टम परमिट, यानी कस्टम ऑफिसर से या कस्टम ऑफिसर से कस्टम ऑफिस से दोनों से रिटर्न में ही एप्लीकेशन दे करके कि भैया हमारे जो है मतलब क्लाइंट है एक्सपोर्टर है उनको ये सामान यहाँ भेजना है, आप इसके लिए मुझे परमिशन ग्रांट करिए। तो वो एक प्रोसीजर है जो कि जिसके थ्रू वो फॉर्म भर करके जमा करता है कस्टम ऑफिस में और फिर वहां से सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई की जाती है, कहीं कहीं कोई गलत सामान या कोई स्मगलिंग का सामान तो नहीं ले जा रहे हो, सब क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें आपको एक परमिशन लेटर दे देता है कि हाँ कि आप ये सामान ले जा सकते हैं। सेकेंड, शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर वो कंपनी देती है जिसके थ्रू आपके सामान जाने वाले हैं, यानी उसके पास भी कॉपी पहुंचाई जाती है हर एक चीज की और वो भी कस्टम के थ्रू क्लियर होकर पहुंचती है कि हाँ भैया इनका सारा सामान सही है, आप इसका एक वो है शिपिंग ऑर्डर जारी कर दो कि हाँ इनका ये सारा सामान इस शिप से और इस दिन इस टाइम पे यहाँ से डिस्पैच होगा, ठीक। पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, बिल्कुल
ये तभी होता है जब आप यहाँ सर्टिफिकेट जब कस्टम परमिट लेने जाते हो उसी समय आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पे करनी होती है। तो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी जब पे कर देते हो तो वो आपको एनओसी दे करके कहते हैं कि ठीक है भैया अपना सामान ले जा सकते हो। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट वो है टैक्सेस है जिसको आपको पे करना होता है जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो। ठीक है, फिर है डॉक चलाना वारंट। डॉक चलाना वारंट कुछ ये वही डॉक्यूमेंट है जिनमें आपको डॉक ऑफिसर्स है। डॉक ऑफिसर्स का मतलब है कि जो शिप पे जो ऑफिसर्स रहते हैं उनका एक वारंट बनता है कि हाँ भैया कि हमने सारा सामान क्रॉस चेक कर लिया है, कुछ भी मैलिशियस मतलब इलीगल सामान नहीं जा रहा है, सब कुछ। वो आपको एक परमिशन लेटर लिख करके और साइन करके देते हैं कि अब आप इसको दिखा देंगे तो आपका आगे सामान फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक, ये सारा अफेयर जो होता है वो एजेंट और कस्टम ऑफिसर्स शिपिंग कंपनी और इन सब के बीच में देखा जाता है। इसीलिए एजेंट हायर ही किया जाता है कि हमारा ये हेडेक दूर रहे, फॉरवर्डिंग एजेंट सब कुछ संभाल ले। लोडिंग ऑफ गुड्स, लोडिंग ऑफ गुड्स एक फॉर्मेलिटी जिसमें आपका जो फॉरवर्डिंग एजेंट है वो शिपमेंट कंपनी से बात करके उनसे सारा चीज क्लियर करके फिर आपका जो सामान है किस शिप पे जाना है, कितने बजे जाना है और उसके क्या चार्जेस है, वो सारा कुछ क्लियर करने के बाद वो सारा सामान आपका शिप पे लोड करवाती है। ठीक, ताकि वो जो भी टाइम है उसकी शिप के वहां से डिपार्ट होने का उस टाइम के पहले तक आपका सारा सामान उस पे लोड हो जाए। ठीक है, फिर है मेट्स रिसीट। मेट्स रिसीट उस पर्टिकुलर शिप के कैप्टन के थ्रू इशू की जाती है जिस शिप के थ्रू आपका सामान बाहर जा रहा है यानी एक्सपोर्ट होने जा रहा है। ये मेट्स रिसीट सिर्फ इतना मतलब क्या स्टेट करती है कि हाँ कि वो उस शिप का कैप्टन ये कहता है कि भाई हमको सामान मिल गया है, रिसीव हो गया है, हमने इसको सब कुछ चेक कर लिया है, अब आप इसको ले जाने की परमिशन रखते हैं। ठीक है, वो बकायदा से साइन करके देगा क्योंकि उस पर्टिकुलर शिप का वो कैप्टन, उसके पास ही पावर अथॉरिटी है कि वो मतलब पावर अथॉरिटी और ये एक लायबिलिटी भी है उसकी कि वो पूरी चीजें चेक करे तब उसे आगे बढ़ाए। ठीक है, फिर है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग में आपके मेन है कि कंपनी जो है आपको एक बिल साइन करके देती है कि हाँ भैया हमने इनका सामान अंडरटेक किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम इनका सामान अपनी शिप पे लोड करवाएंगे, लोड करने के बाद इसको वहीं छोड़ेंगे यानी इसकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करके आएंगे जहां के लिए एक्सपोर्टर ने बोला है यानी जिसको वो भेजने चाह रहे थे। ठीक है, और लास्ट है मैरिन इंश्योरेंस। मैरिन इंश्योरेंस का मतलब होता है समुद्री बीमा, यानी भाई बस शिपमेंट ऑर्डर है, यहाँ देखो शिपिंग ऑर्डर था ना, तो शिपिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमारा सामान जो है वो वॉटर वेज के थ्रू जा रहा है। जब वॉटर वेज के थ्रू जाएगा तो हमारे सी पायरेट्स होते हैं यानी समुद्री लुटेरे टाइप के होते हैं और बाकी भी जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो भी होती है। तो भाई हमारा सामान जो जाएगा वो कहीं डैमेज ना हो, उसको कोई लॉस ना हो, मतलब एक्सपोर्टर को लॉस ना हो, उसके लिए फॉरवर्डिंग एजेंट का एक और काम है वो मैरिन इंश्योरेंस करवा लेता है कि अगर इन केस सी पायरेट्स या सी डेकोरेट्स यानी जो समुद्री लुटेरे या डाकू होते हैं वो अगर अटैक करें आपके पूरे कार्गो पे या शिपमेंट पे तो आपको अगर लॉस हो तो सारा लॉस मैन इंश्योरेंस करने वाली कंपनी पूरा मीट आउट करे। ठीक है, बिना इसके अगर आप सामान बढ़ाते हो आगे और कोई भी लॉस होता है तो सारा डैमेज आपको पे करना होता है। ठीक है, यानी एक्सपोर्टर को पे करना होता है। ठीक है, तो ये थी फॉर्मेलिटी जो कि फॉरवर्डिंग एजेंट परफॉर्म करता है। अब इसके आगे अभी चार पॉइंट और है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, आइए उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बाकी तीन पॉइंट आइए डिस्कस कर लेते हैं, एक पॉइंट कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो मेन है कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर में ये सिक्स पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ फॉरेन कमर्शियल इनवॉइस। इसके अंडर में, इस प्रोसेस के अंडर में सिर्फ इतना है कि जिस पर्टिकुलर कंट्री से आपको ऑर्डर मिला था एक्सपोर्ट करने के लिए आप उसी कंट्री के उसके रिस्पेक्ट में अपना इनवॉइस तैयार करते हैं क्योंकि भाई पेमेंट आपको उसी कंट्री के करेंसी में मिलेगा जिसको आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो। तो मेन है कि फॉरेन कमर्शियल इनवॉइस में, इनवॉइस हम सभी जानते हैं कि इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस द डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द क्वांटिटी क्वालिटी प्राइस पर यूनिट और बाकी यानी टैक्सेशन, हाँ द रेट ऑफ टैक्सेशन एंड अदर थिंग्स, उसके बाद उसको टोटल करके नीचे एक ब्लैक कॉलम होता है वहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस फॉरेन कमर्शियल इनवॉइस में जिस कंट्री के लिए बना रहे हो वहां के रिस्पेक्ट यानी उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस इनवॉइस को बनाना होता है। ठीक है, सेकेंड है कंस्यूलर इनवॉइस। बहुत लोग कंस्यूलर इनवॉइस में कहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं,
तो कंसीडर नॉट ऑफ कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टर का एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव होता है बंदे के फॉर्म में, जो कि इम्पोर्टर के थ्रू ऑर्डर किए गए सामान की एक पूरी डिटेल बनाता है और आपको भेजता है कि भाई हमें ये सामान इस रेट पे चाहिए और ये क्वांटिटी चाहिए और ये क्वालिटी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। ठीक, तो कंसुलर इनवॉइस किसकी तरफ से होगा? इम्पोर्टर की तरफ से, बंदा उसका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आपको बगैर बना के भेजता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए सामान एक्सपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है ये एक्सपोर्टर और मजिस्ट्रेट के बीच एक एग्रीमेंट होता है साइन करके, जिसमें मजिस्ट्रेट ये सर्टिफाई करता है और ऑथराइज करता है कि हाँ कि जो सामान आपको एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो एक्सपोर्टर ने खुद बनाया है और उसी की कंट्री में बनाया है, ये कहीं से लिया नहीं गया है, कहीं से इम्पोर्ट करा के आपको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो तरीके से वो एक सर्टिफिकेशन दे देता है कि हाँ कि बंदा जेन्युइन है, इसी ने प्रोड्यूस किया है, जैसे खुद की मतलब खुद का एक वो है प्रोडक्ट है और ये आपको सेल ऑफ करना है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा इसके में एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारे इम्पोर्ट प्रोसीजर। इम्पोर्ट प्रोसीजर में भी भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इम्पोर्ट प्रोसीजर। आई ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट इम्पोर्ट प्रोसीजर इन दिस वीडियो स्टेडियम। लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्ट प्रोसीजर। जैसा एक्सपोर्ट प्रोसीजर था वैसे इम्पोर्ट में भी है, कुछ खास अंदर नहीं है, बस कुछ हेडिंग्स चेंज हुई है, कुछ सिस्टम चेंज हुआ है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। तो लेट्स स्टार्ट द मेन कंसेप्ट। ऑब्टेनिंग कोड नंबर एंड लाइसेंस, यानी इम्पोर्ट लाइसेंस। कोड नंबर वही है, आईसी कोड ऑब्टेन करना, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड जिसको मैंने बताया था लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए मिल जाता है, इसको ऑब्टेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ भी कर रहे हो इंटरनेशनल ट्रेड में तो बिना इस नंबर के आप नहीं कर सकते। ठीक है, और ये इम्पोर्ट लाइसेंस भी, और ये अथॉरिटीज यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो एग्जिम वाला मैंने वर्ड बोला था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो अथॉरिटीज है उनके थ्रू ये नंबर आपको ऑब्टेन करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज आप सभी जानते हैं, इनफैक्ट जो मेरे कॉमर्स वाले जो दोस्त हैं जितने भी, वो जानते होंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें पेमेंट उस कंट्री की ही करेंसी में करना होता है जिसके हमने या तो सामान मंगवाया है या जिसको सामान हमने भेजा है। अगर भेजा है तो हमें पेमेंट उसी करेंसी में आएगा, लेकिन फिर वो यहाँ पे आके हमारी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस कन्वर्जन के लिए भी जिस कंट्री में भी आप जिस कंट्री से भी आप इम्पोर्ट करवा रहे हैं भाई, वहां के लिए पेमेंट तो आप अपनी करेंसी में भेजोगे ना, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के रिजर्व बैंक में आपको जाना पड़ता है और फिर वहां से आपको, जैसे हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है, और आरबीआई के पास ही फॉरेन एक्सचेंज का पूरा एक डिपार्टमेंट है, पूरा एक रिजर्व है जिसके थ्रू वो फॉरेन एक्सचेंज ग्रांट करता है। ठीक, तो जो इम्पोर्टर है वो बकायदा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट या फॉर्म में इसको पूरा भर के भेजेगा कि हमें भैया इनको पेमेंट करना है, हमारा इम्पोर्ट पेमेंट करवाना है, तो आप हमें वो फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कीजिए, हमें फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कीजिए, और उस एक्सचेंज के थ्रू पहली बार तो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, दूसरी बार जब पेमेंट करना होता है एक्सपोर्टर को तो उसकी करेंसी में वो पूरा एक्सचेंज चेंज हो जाता है। यानी अमेरिका ने इंडिया से इम्पोर्ट कराया है तो पेमेंट तो अमेरिकन डॉलर्स में ही खिसकेगा वहां से, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज पे जाकर के पूरा इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चेंजिंग आरबीआई के थ्रू होगी, क्योंकि आरबीआई में यह पैसा बकायदा विद एप्लीकेशन जाएगा, वहां से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज अलाउ करेगा और फिर वो आपको पेमेंट के फॉर्म में देगा। ठीक है, प्लेसिंग एन ऑर्डर और इंडेंट, ये मैंने पहले बताया था, इंडेंट या ऑर्डर वही है जिसमें एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जिसमें आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब तक चाहिए, ये आप पूरा डिटेल इस इंडेंट या ऑर्डर फॉर्म में लिख के भेज देते हो। ठीक है, और इसमें दो सेक्शंस होते हैं, एक पोटेंशियल बाइंग का होता है और एक फ्यूचर बाइंग का होता है कि हाँ अभी हमें एक तुरंत चाहिए और कुछ दिनों बाद आप हमें ये भी चीज भेज दीजिएगा। ठीक है, तो और एक चीज और कि इस इंडेंट ऑर्डर फॉर्म में जो इम्पोर्टर है वो पोटेंशियल सप्लायर्स को भी स्पॉट आउट करता है कि हमारा जो प्रेफरेंस है वो एग्जैक्टली कौन सा सप्लायर हमें दे सकता है उस कंट्री का, उसको भी वो उस पर स्पॉट आउट कर लेते हैं और फिर उससे डायरेक्टली उसी से बात करते हैं। ठीक, सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी बताया था
और उसमें मैंने ये भी आपको समझाया था कि भाई कि बैंक जो है इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर जो भी पार्टी सामान मतलब एक्सचेंज कर रही हो उसकी एक गारंटी देता है कि भैया कि ये फाइनेंशियली साउंड है, और अगर इनकेस कोई डिफॉल्ट होता है, वैसे लेटर ऑफ क्रेडिट एक एश्योरेंस का डॉक्यूमेंट है जिसमें वो इम्पोर्टर के बिहाफ पे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस यानी सॉल्वेंसी की गारंटी देता है, लेकिन इनकेस अगर किसी भी वजह से डिफॉल्ट होता है इम्पोर्टर की तरफ से तो सारा पेमेंट बैंक करता है। ठीक है, यानी एक्सपोर्टर के पास ये राइट है कि वो बैंक को घसीट सकता है हमारे पेमेंट के लिए। ठीक है, फिर है प्रोक्योरिंग डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ और दूसरा कुछ नहीं है, इसमें आपके आपके एक्सपोर्टर इम्पोर्टर एक दूसरे को वो भेजते हैं डॉक्यूमेंट भेजते हैं रिगार्डिंग दी एनओसी, लीगल रिकग्निशन, कस्टम ड्यूटीज, जो उसने टैक्सेस पे किए वो, जो इनवॉइस बनाया वो, सब कुछ उसमें मिला होता है और वो इसी के अंदर में आपको भेजा होता है। ठीक, यानी दोनों एक दूसरे को डॉक्यूमेंट्स का वो ट्रांसफरिंग करते हैं ताकि एक लीगैलिटी प्रूफ हो जाए कि हाँ भैया इम्पोर्टर भी सही है, जेन्युइन बंदा है, और एक्सपोर्ट करने वाला भी जेन्युइन और सही बनता है। ठीक, क्लियरिंग ऑफ गुड्स, ये तो कस्टम ऑफिसर यानी कस्टम ऑफिसर्स करते हैं, कस्टम ड्यूटीज पे इसको कस्टम पे क्लियर कराया जाता है। अब आपने एक्सपोर्ट कर दिया अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर करा के, लेकिन जब ये इम्पोर्टिंग कंट्री यानी जो खरीद रहा था आपसे उसके कस्टम यानी कस्टम ऑफिसर्स आपको जनरली एयरपोर्ट पे मिलते हैं या फिर पोर्ट्स पे मिलते हैं यानी बंदरगाह जिसे कहा जाता है यानी जिसे सी पोर्ट कहते हैं, एक एयरपोर्ट है एक सी पोर्ट, तो सी पोर्ट्स पे आपको कस्टम ऑफिसर्स मिलेंगे और एयरपोर्ट पे भी कस्टम ऑफिसर्स मिलते हैं आपको, तो वो आपका सारा सामान दोबारा चेक करेंगे, एक एक चीज स्कैन होगी, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ सामान सही है, कोई भी इलीगल चीज नहीं आई है, सब जेन्युइन चीजें हैं और कंज्यूमर गुड्स हैं, तो वो आपको जाने देता है। ठीक, ऑब्टेनिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, भाई क्लियरेंस के बाद आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स की जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है उसे भी ऑब्टेन करना होता है कि भाई जिससे जिसने सामान भेजा है वो आपको एक लेटर मतलब एक वो डॉक्यूमेंट भेजता है जिसमें आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए भी एक वो रहता है डॉक्यूमेंट रहता है कि है कि हमने सामान भेज दिया है, अब आप जाकर के इसका डिलीवरी लो और हमारा पेमेंट सैंक्शन करवाओ। ठीक है, ऑब्टेन डिलीवरी गुड्स में और भी चीजें हैं जिनमें आपका मेन आता है कि इसमें जितने भी हैं जो जो बिल्स हैं यानी बिल ऑफ लेडिंग है और डॉक चार्जेस हैं और मैरी इंश्योरेंस है, शिपमेंट चार्जेस हैं, वो सारे के सारे कौन बियर करेगा, इम्पोर्टर बियर करेगा क्योंकि परचेजर वो है ना, तो वो बियर करेगा और उसको क्लियर करा के फिर डिलीवरी अपने हाथ से ले लेगा, लेकिन ये डिलीवरी तभी मिलेगी जब आप उसके सारे एक्सपेंसेस खत्म कर दोगे यानी मीट आउट कर दोगे। और लास्ट है मेकिंग पेमेंट, इन सब को करने के बाद जो फाइनल स्टेप आता है वो है आपको उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट गुड का पेमेंट करना, वरना बिना उस पेमेंट के आपको जो आपने इम्पोर्ट करवाया है सामान वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक, यहाँ से आपने पेमेंट किया उसका पेमेंट सीधे एक्सपोर्टर के अकाउंट में गया और यहाँ से आपका ये जो क्या कहते हैं इंडेंट था या ऑर्डर था आपको तुरंत दे दिया। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतने पे रोक रहा हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, सीखिए और कॉमर्स को एंजॉय कीजिए, एंड वन मोर थिंग, प्लीज 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 लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल विद कॉमर्स विस्टा, आप हो तो ये चैनल है और इस चैनल की सक्सेस है, तो जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वैसे आप भी मेहनत करो, इस वीडियो सारे वीडियो जो मैंने अब तक देखे हैं देखो और इनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो कॉमर्स पढ़ते हो या पढ़ना चाह रहे हो, उन्हें मेरे वीडियो शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे सब तक पहुंचाइए ताकि कोई भी बंदा मेरे चैनल से दूर ना रहे। तो till then have a great day, have a great life and do take care of yourself, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।